नमस्कार, मेरे साथ स्क्रीन पर हैं अंजना सुखानी। अगर आप ओटीटी के शौकीन हैं, एडिक्ट हैं, जी फाइव पर इन दिनों जो आ रहा है सास बहु अचार प्राइवेट लिमिटेड, तो वो आपने जरूर देख लिया होगा। बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, सभी जगह से तारीफें हो रही हैं इसकी। सोशल मीडिया पर ये शो छाया हुआ है, जी फाइव के भी जो रैंकिंग है उसमें ये शो सबसे ऊपर जा रहा है। उसी की एक्ट्रेस अंजना सुखानी मेरे साथ है, और अंजना को पिछले दिनों मैंने, तो आपको जेन्युइन बताता हूँ, गुड न्यूज में देखा, और गुड न्यूज में देखने के बाद जब अंजना को मैंने रिकॉग्नाइज किया, और फिर जब सास बहू का कुछ एडवर्टीजमेंट्स ट्रेलर वगैरह आने शुरू हुए, तब हमारा इंटरेक्शन हुआ और अंजना जी से हमारी मुलाकात सोशल मीडिया के थ्रू हुई। तो अंजना जी, बधाई आपको इस शो के लिए। जी थैंक यू। ये बताइए कि इस शो में जो मेन कैरेक्टर है सास और बहू है, आपने सुंदर का किरदार क्यों निभाया? मुझे ये पता था कि जो सुमन का कैरेक्टर है वो मेरे लिए नहीं था। रादर जब मैं डायरेक्टर से पहली बार मिली तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि मैं आपको सिर्फ एक ही रूप में देख रहा हूँ, और वो सिर्फ मनीषा है। यू नो, वो जो वनरेबिलिटी चाहिए थी एक कैरेक्टर के लिए, और एक फ्रेशनेस भी चाहिए थी। सिर्फ वनरेबिलिटी की जरूरत नहीं थी, एक फ्रेशनेस भी चाहिए थी, और वो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट भी चाहिए था कि सुमन के जो उसकी पर्सनालिटी है और जो मनीषा की पर्सनालिटी है उसमें काफी फर्क होना चाहिए, विजिबल फर्क होना चाहिए। चाहे वो आपके लुक्स हो, चाहे आपके बोलने का तरीका हो, चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, तो ये ही वॉज वेरी क्लियर कि वो हर चीज में बहुत ही क्लियर लाइन होनी चाहिए उन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में। और सुमन की डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग जर्नी है इस शो में, जो उन्हीं की जर्नी है, पर एक मनीषा की जो इमोशनल जर्नी थी वो मुझे बहुत 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 पसंद आई। और क्योंकि ये कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि सौतेली माँ वाला बिहेवियर है, यू नो, ये बहुत ही ब्यूटिफुली पोर्ट्रेट वाला कैरेक्टर नहीं है ये। जी एग्जैक्टली, जो टिपिकल हमने हमेशा देखा है कि सौतेली माए कैसी होती है, क्योंकि आपने हमेशा सिनेमा में ऐसा ही देखा है कि बहुत चुड़ैल टाइप होती है। सो बहुत जरूरी था कि वो एक मिथ ब्रेक करने के लिए, और उस आई थिंक इससे अच्छा बेटर रोल और क्या हो सकता था मेरे लिए कि आई कैन प्ले, जिसमें जैसे मैंने बहुत इंटरव्यूज में कहा है कि आपकी स्ट्रेंथ आपके साइलेंस में है, और मनीषा बहुत चुप रहती है, उसके ज्यादा बोलने वाले डायलॉग नहीं है, पर उसकी स्ट्रेंथ है उसमें आप बिल्कुल चुप रहती हैं। वो किचन में पैसे रखने के लिए आती है जूही आपके पास, बेटी जो है, और आप चुप रहती हैं। वो आपने बिल्कुल सही कहा, उसमें साइलेंस में सब कुछ था कि आप नाराज भी हैं इस बात से भी, आपको अच्छा नहीं लगा कि आपको नहीं बताया, चोरी की बच्चे ने, ये भी आपको अच्छा नहीं लगा, सब चीजें हैं उस सीन में, सब चीजें हैं उसमें, करेक्ट। तो आप, मुझे लगता है एज एन एक्टर आपको जरूरी नहीं है कि हर बार 10 डायलॉग हर सीन में चाहिए बोलने के लिए। आई थिंक आपकी आंखें ही बहुत होती हैं, और सबसे ज्यादा मेहनत उसी में लगी कि आंखों से कैसे बोलना है। एक सीन और भी अच्छा है आपका, एक वो मेरे ख्याल में फ्लैशबैक का एक सीन है, उसमें आप और अनूप छत पे खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं, और वो शादी से पहले का है, और उसमें आपने ये कहा कि और मैं आपकी तुम्हारे बच्चों की सौतेली माँ बनने के लिए भी रेडी हूँ, उन्हें खूब सताने के लिए, इस तरह का। तो वो भी मुझे लगता है कि वो राइटर की और डायरेक्टर की भी खूबसूरती है कि उसने इस तरह की बातें आपसे कहलवाई, जबकि आप ऐसे कैरेक्टर हैं नहीं। जी आई थिंक बहुत कैजुअली इसको लेना था कि क्योंकि उसको पता है कि वो सिर्फ अकेली नहीं आ रही है जब उसकी शादी हो रही है, वो भी अपने साथ अपने बच्चे को ला रही है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बर्डन है वो अनूप के बच्चों का बर्डन है, वो अपना बर्डन भी लेकर आ रही है इस घर में। तो बहुत जरूरी था कि इसको बहुत ही कैजुअली प्ले करना, पर एट द सेम टाइम क्या कहते हैं उसे, ये सोच के रखना कि वो जोड़ बना के रखना है आपको,
वो जोड़ बनाने के लिए बहुत जरूरी था कि इसको बहुत हल्के से और प्यार से कहा जाए रादर देन बहुत सीरियसली कहा जाए. एंड आई थिंक जैसे आपने कहा कि राइटर और डायरेक्टर ने बहुत ही खूबसूरती से इसको लिखा है और बहुत ही कैजुअली मुझे भी बोला कि इसको बहुत कैजुअल लेना है, इसको ऐसे सीरियसली मत बोलना कि हाँ यू नो सौतेली माँ का किरदार में बहुत अच्छे से निभाऊंगी, चिंता मत करना. तो वो मीननेस नहीं चाहिए थी उसमें, वो क्रूरता नहीं चाहिए थी उसमें, वो बहुत सहनशीलता वाला विनम्र बिहेवियर चाहिए था. एडजस्ट एडजस्ट करने वाला कि मैं एडजस्ट कर रही हूँ आपके फैमिली में. जी जी. अच्छा, उस इसमें आपका जो सारे आपके, मुझे नहीं पता कि आप कितने एपिसोड्स में आपका वो था इसमें अपीयरेंस, आपको सबसे बढ़िया पार्ट आपके कैरेक्टर का इसमें कौन सा लगा, कौन से सीन में आपको लगा कि आपने सही तरीके से इस सोतेली माँ वाले और कैरेक्टर को सही तरीके से आपने कन्वे कर दिया है? आई थिंक हर सीन में, जो एक सीन पर्टिकुलरली जो सब मुझे बोल रहे हैं वो जो आपने भी कहा कि वो किचन वाला जो सीन है जो जूही के साथ है, जो वो पैसे वापस देना आती हैं, तो एक बार आपको ये भी लगता है कि इस घर में वो अपने आप को अपनाना चाहती है, कि मुझे वो अपनापन मिले जो शायद सुमन को तब मिला था जब वो आई थी. और एक बहुत सी थिन लाइन थी कि आपको आपको भी ऐसा लग सकता है कि ये क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा, यू नो इसने मेरे पैसे क्यों चोरी किए. पर फिर उसमें एक मदर टर्न ओवर ले लेती है और समझती है कि ठीक है बच्चे ने चोरी की, यू नो उसको चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, उसको आराम से समझाना पड़ेगा. और फिर जब वो उसको कहती है कि अगली बार हक से मांगना, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप उसको ये हक दे रहे हो कि अब मैं तुम्हारी सगी माँ तो नहीं हूं, पर जब तक तुम इस घर में हो और मैं इस घर में हूं, यू हैव ऑल द राइट to ask me whatever you want. तो I think एक वो सीन बहुत था. और एक सीन है जो actually बोलने वाला सीन नहीं है, जब रिशु भाग जाता है और जब मनीषा उसके कमरे में जाती है और जब उसकी किताबें देखती है और उसके बैग खोल के देखती है और जब वो लेटर देखती है कि उसने लिखा है आई लव यू मम्मी प्लीज हमको छोड़ के मत जाओ, आई थिंक वो मुझे एक्चुअली बोलते समय भी गूज़बम्स आ रहे हैं कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंट था मेरे लिए, जहां आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ और सिर्फ महसूस करना था उस बच्चे का दर्द, उस बच्चे का प्यार, उस बच्चे की तड़प. और जैसे एक सीन में मैं कहती हूँ कि अगर विवान चला जाता तो हम रह पाते क्या, तो एग्जैक्टली बस वो ही फीलिंग थी कि अगर ये रिशु की जगह अगर विवान होता तो एक माँ टूट जाती. तो बस वो ही एक इमोशन मैंने अपने जहन में रखा था कि उसको ऐसे ही निभाना है. और मुझे लगता है कि वो जो आपने सीन बताया कि आप उसकी किताबें टच करती हैं बच्चे की और वो सब देखती हैं, मुझे लगता है कि पूरे कैरेक्टर को जो डिफाइन उसी सीन ने कर दिया कि वो अंदर से कैसा है, वो कैरेक्टर अंदर से कैसा है. ट्रू. अच्छा, ये शो आपको अप्रोच कैसे हुआ, आपको ये शो मिला कैसे, कैसे हुआ कैसे ये शो तो मैंने छीना है. So, अपूर्व सिंह कार्की जो डायरेक्टर है उनका मैंने जस्ट बाय चांस एक शो देखा, फ्लेम्स, सोनी लिव पर है वो शो. और जब मैंने वो शो देखा मैंने कहा वाओ क्या बढ़िया चीज है ये, मतलब कौन है ये जिसने बनाया है, इतनी ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने एक रिलेशनशिप, कॉलेज बेस्ड वो है सीरीज, पर इतनी ब्यूटीफुल और सिंपल तरीके से उन्होंने जो रिश्ता बनाया है उसमें उस शो में, वो बहुत ही कमाल का था. फिर मैंने उनको फेसबुक पे ढूंढा, इधर ढूंढा उधर ढूंढा कहीं, फिर फेसबुक पे वो मुझे मिले कि वो फेसबुक पे हैं, फिर मैंने उनको मैसेज किया. और ये करीबन 1.5 साल पहले की बात है, तब वो एस्पिरेंट्स आई थिंक बना रहे थे या तब रिलीज होने वाला था शायद, ऐसा कुछ दौर चल रहा था. और मैंने उनसे कहा कि यू नो मुझे आपसे मिलना है और आपके साथ काम करना ही है मुझे, कैसे भी आप बताइए क्या करें. तो वो दिल्ली बेस्ड थे, वो दिल्ली में रहते हैं, अब बॉम्बे शिफ्ट हो गए हैं, अब तो टच विद वो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं. दिल्ली बेस्ड दिखाया उन्होंने, पहाड़गंज और वो सब स्टोरी दिखाई. हाँ हाँ बिल्कुल. तो वो दिल्ली बेस्ड हैं, तो अब वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए हैं, तो तब वो दिल्ली में ही थे, तब कुछ अता पता नहीं था कि वो कब आने वाले हैं बॉम्बे, कि आएंगे कब आएंगे, 1 महीना लगेगा 2 महीना लगेगा.
फिर आई थिंक कुछ दो सवा दो महीने बाद शायद वो आए बॉम्बे, उनका पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा था, फिर मैंने उनसे कहा कि प्लीज एक 10 मिनट निकाल के मुझसे मिल लीजिए। फिर मिले उनसे और एक्चुअली पहली बार में ही ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पुराना दोस्त है, यू नो वो जो वाइब थी वो इतनी इतनी अच्छी थी। फिर उन्होंने मुझे ऑफकोर्स उस शो के बारे में बताया और मैंने कहा मुझे ये करना ही है, अभी आप क्या क्या करोगे मुझे नहीं पता, बट ये करना ही है फॉर श्योर। एंड उस प्रोसेस को भी काफी टाइम लगा क्योंकि काफी सारे ऑडिशन हुए, एंड आई एम श्योर सिर्फ मेरा ऑडिशन नहीं हुआ, बहुत सारी और लड़कियों का भी ऑडिशन हुआ, बहुत सारे आई एम श्योर ऐसे नाम होंगे जो उन्होंने रखे होंगे लिस्ट में, और Z5 और TVF ने दोनों ने मिलके डिसीजन लिए जो भी लिए। तो काफी सारे ऑडिशन भेजे क्योंकि उस टाइम कोरोना चल रहा था तो आप कहीं जाकर भी ऑडिशन नहीं करते, आपको अपने घर में ही ऑडिशन करके भेजना है। ऐसा कभी होगा तो मैं ऑडिशन भी जरूर डालूंगी ऑनलाइन किस सीन के वजह से शायद मुझे ये मिला, बट आई थिंक उस सीन में, और वो सीन भी उन्होंने मुझे कम से कम 3 या 4 बार करवाया कि नहीं ये अब ये ऐसे नहीं करो, अब ये इसको थोड़ा यहाँ हंसो मत, यहाँ पॉज दो। फिर मैंने वो सीन किया, फिर मैंने उनको भेजा व्हाट्सएप पे, फिर उन्होंने बोला नहीं ये भी ठीक नहीं है, ये इसमें ये हो रहा है, उसमें वो हो रहा है, ये थोड़ा लाउड हो रहा है, ये थोड़ा कैरिकेचरिश हो रहा है, टोन डाउन करो, टोन डाउन करो। सो ऐसे आई थिंक 4-5 बार वही सेम सीन मैंने उनको करके डिफरेंट उसमें बताया, एंड फाइनली ही वॉज कन्विंस्ड। तो ये अभी सिर्फ उन तक कन्विंसिंग की बात थी, अब आगे और भी कन्विंसिंग जरूरी थी कि यू नो जो प्रोडक्शन हाउस है वो सब भी समझे कि मैं सही कैरेक्टर हूँ। आई थिंक वो भी एक मेरे ख्याल से 2-3 महीने तक वो प्रोसेस भी चला, बट इवेंचुअली वो कहते हैं ना जब आपके लिए लिखा हो तो कहीं और जाएगा नहीं, तो शायद वो ही हुआ मेरे साथ, मैंने बहुत बहुत शिद्दत से मांगा था इसको। नहीं बहुत अच्छा कैरेक्टर है और इम्पैक्ट हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं इस कैरेक्टर को रियली। मेरी वाइफ को आपका कैरेक्टर बहुत पसंद आया जब हम लोगों ने इस शो को देखा, और मैंने फिर अपनी वाइफ से बताया भी कि ये गुड न्यूज में भी थी, उन्होंने कहा कौन, मैंने कहा अक्षय कुमार की जो बहन बनी हुई है, तो फिर उन्होंने गुड न्यूज उनकी बड़ी फेवरेट फिल्म है, कम से कम 50 बार उन्होंने देखी हुई है, उनका कहना है कि वो सारे कैरेक्टर उसमें भी बहुत अच्छी तरह से। मैं आपको बताऊं कि गुड न्यूज में कैरेक्टर आप लोगों का ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन 2-3 सीन में ही बहुत अच्छा, जैसे वो होता है कि अरे इस राक्षस से मेरा पीछा छुड़वाओ अपने बच्चे के बारे में, बहुत एक्चुअली प्यारा सीन था, उतना प्यारा सीन है उसमें कि देखिए कल तक बच्चे के लिए जो लोग तड़प रहे थे वो आज जब बच्चा हो जाता है तो कहते हैं कि साहब ये राक्षस है। तो वो भी कैरेक्टर आपका इम्पैक्ट छोड़ता है, लेकिन मैं आपकी जो जर्नी देख रहा हूँ, जर्नी आपकी मुझे जो मिल रही है गूगल पे 2005 से स्टार्ट हो रही है, हमदम ये सब वहां से, इतना इतना समय कैसे लग गया ये पहचान बनाने, क्या क्या लगा आपको कि कहां पे कुछ वेंट रॉन्ग, कहां पे कुछ गलत हुआ? आई थिंक गलत तो कुछ नहीं हुआ, जब मैंने शुरुआत की तो मुझे ऑनेस्टली एक्टर बनने का सच कोई क्या कहते हैं मॉडलिंग से स्टार्ट हो रहा है, कैडबरी चॉकलेट और अमिताभ बच्चन साहब के साथ आपने एक एड किया था जी, और उनके साथ एक फिल्म भी की है, बट आई थिंक जैसे मैंने कहा कि एक्टर बनने नहीं आई थी मैं यहाँ पर, मैं मतलब मेरी पढ़ाई बॉम्बे से ही है, आधी बॉम्बे आधी जयपुर से, सो ऐसा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। हाँ ये था कि मॉडलिंग करके पैसे कमा के पढ़ने जाना है, तो सबसे आसान ये था कि पैसे जल्दी जल्दी कैसे बनेंगे, तू फ्रेंड्स ने कहा अच्छा ठीक ठाक है तेरा फेस, तू थोड़ी मॉडलिंग कर ले पैसे बन जाएंगे। तो 1-1.5 साल शायद मॉडलिंग की, उससे पैसे बनाए, फिर MBA पढ़ने के लिए गई, और फिर जब वहां से वापस आई तो तब भी कुछ एड्स किए थे, जैसे कैडबरी वाला एड किया था, जैसे आमिर के साथ एक कोको कोला का एड किया था, वर्ल्ड कप का एड था वो आई थिंक, तो ये सारे एड्स काफी चल गए। तो जब वापस आई तो फिर फिल्म के ऑफर्स आने लगे, और तब ऐसा लगा कि यार एक्टिंग तो आती नहीं, कभी सीखी नहीं, किसी स्कूल नहीं गए, कुछ नहीं पता, पढ़ने तो मैनेजमेंट गए थे, पर फिर सोचा कि चलो एक फिल्म कर लेते हैं, देखते हैं कैसा होता है, यू नो लाइफ में हमेशा याद रहेगी, एक पिक्चर की थी मैंने आई थिंक, पर सिलसिला कुछ वहीं से ही शुरू हुआ कि हमदम शूट करने के बीच में कुछ ऐसा लगा कि कुछ अंदर बदल रहा है, कुछ मजा आ रहा है इसको करने में, ये अच्छी चीज है यू नो। और तब तक तो कुछ रिलीज भी नहीं हुआ था, तो आपको ये भी नहीं पता कि ऑडियंस आपको पसंद करेगी, अपनाएगी नहीं अपनाएगी, बट वो प्रोसेस बहुत अच्छा लग रहा था। आई थिंक कहीं वहीं उसी के बीच में डिसाइड किया कि एक्टिंग ही एक्टर ही बनते हैं। कुछ तेलुगु कन्नड़ ये प्रोजेक्ट भी आए हैं जी,
तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, मराठी, हिंदी, 5 languages। बढ़िया, अच्छी अच्छी बात है। क्या आपने वो तेलुगु कन्नड़ सीखी थी या वो डबिंग आर्टिस्ट उससे कर लेते नहीं, हैं डबिंग? वो डबिंग उन्हीं से कराते हैं, क्योंकि हम चाहे डायलॉग भी बोलें पर जो जो लहजा होता है वो मुश्किल होता है पकड़ना, जो अंडरटोन होता है वो तो बहुत प्रैक्टिस से ही आता है, तो वो बहुत क्लियर होते हैं कि आप अपने डायलॉग बोलो, क्योंकि वो तो आपको बोलना ही है, पर डबिंग फिर भी किसी और से ही होगी। तो आपने इससे पहले रोल्स किए हैं, फिल्मों में किए हैं या जितने भी अपीयरेंसेस हैं, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्टरी आपको कौन सा लगा, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है अपना कैरेक्टर, ये लगा कि हाँ ये मैंने प्रोजेक्ट किया और इसमें मुझे कोई, मैंने गलती नहीं की इस प्रोजेक्ट को करके? आई थिंक गलती तो मुझे खैर किसी में भी नहीं लगती कि ये करके गलत किया, पर एज एन एक्टर जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिला, वो एक फिल्म थी जश्न, जो भट्ट साहब की प्रोडक्शन हाउस से। ने प्ले किया उसमें सारा। जी, करेक्ट। वो मुझे एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी लगी उस कैरेक्टर की। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म नहीं चली, बट आई थिंक वो एक मुझे बहुत क्लियरली याद है उस शूट पे एक सीन था जहाँ रोना था मुझे, क्योंकि मेरे भाई और मेरा बॉयफ्रेंड दोनों लिटरली आमने सामने हैं, और एक उसको पसंद नहीं करता, और लाइफ में किसी के साथ बिताना चाहती हूँ पर मेरा भाई बिल्कुल अगेंस्ट है। और वहां पर भट्ट साहब मुझे एक्सप्लेन कर महेश भट्ट साहब वो एक सीन एक्सप्लेन कर रहे थे, और उन्होंने हाथ पकड़ा मेरा, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे सारे इमोशन उन्होंने वायर कर दिए मेरी बॉडी में। और मतलब वो जिस तरीके से आपको समझाते हैं, जिस जो इंटेंसिटी है उनकी, वो मतलब मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया एज एन एक्टर एवर बिफोर, और उसके बाद भी शायद कभी नहीं, पर वो पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि ये कुछ मैजिक हो रहा है अंदर, आपके अंदर। आपके कन्नड़ फिल्म के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी देख रहा हूं मैं, मिला है जी हाँ, एक्चुअली बेस्ट उसके सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला था कन्नड़ फिल्म के लिए फिल्म फेयर का, एंड बस वही एक अवार्ड मिला है आज तक एक्टिंग के लिए। मुझे लगता है अवार्ड वगैरह इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो तो पहचान सबसे बड़ी होती है, उसके बाद अवार्ड वगैरह खुद ही आने लगते हैं। अभी आगे की बिल्कुल। क्या है आपकी? अभी एक शो और है जो रेडी है रिलीज के लिए, वो मेरे ख्याल से महीने 2 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, और वो इससे बिल्कुल अलग, मतलब बिल्कुल 180 डिग्री हटकर रोल है। तो जहां आपने मनीषा को देखा बहुत ही, हाँ जी, अल्ट्रा अल्ट्रा मॉडर्न टाइप की कोई इस तरह की? अच्छा, मॉडर्न और बहुत ही बहुत रुदलेस तो नहीं कह सकती, बट डेफिनेटली रुदलेस, सेल्फिश। मेरे लिए एक्चुअली बहुत एक्साइटिंग टाइम है, क्योंकि एक तरफ आप मनीषा को देखेंगे जो इतनी वनरेबल है पर स्ट्रांग है, पर उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, और उसको पता है उसको क्या चाहिए, उसको खाली एक्सेप्टेंस चाहिए। दूसरी तरफ जो ये कैरेक्टर है वो उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि वो स्टोरी ऑब्वियसली भी बिल्कुल अलग है, मतलब वो मल्टीपल ऑनसेंबल कास्ट है वो। शो है कहाँ, क्या नाम है, कौन डायरेक्टर है उसकी, क्या बताइए कुछ उसके बारे में। मैं अभी तो ऑनेस्टली कुछ डाइवर्ट नहीं कर पाऊंगी जब तक ओटीटी ग्रीन सिग्नल नहीं देते, बट वो भी बहुत टच पे बहुत अच्छे चैनल पर है, ओटीटी चैनल पर है, एंड उनका नाम अभी स्टिल आई थिंक इन बिटवीन वो लोग फाइनलाइज करें, इसलिए मैं आपको टाइटल भी नहीं दे पाऊंगी। बट ये है कि एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग चीज है कि दो बिल्कुल अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स विद इन अ स्पैन ऑफ 2 2.5 महीने में ऑडियंस देख पाएगी। अच्छा, ओटीटी का फ्यूचर आप क्या देखती हैं, अगर मैं थोड़ा सा हटके बात करूं आपसे? आई थिंक ओटीटी डेफिनेटली अब कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि एक तो कोविड ने आपको बहुत कंफर्टेबल कर दिया है अपने घर में, तो लोग रादर अपने घरों में बड़ी बड़ी टीवी साउंड सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के, जी हाँ, आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के चीजें देख सकते हो, और सबको यही पता है कि जब फिल्में रिलीज होगी तो 2 हफ्ते, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, या आप जैसे रूल निकला है कि 8 हफ्ते बाद ओटीटी पर आ ही जाएगी, तो फिर वो चांस क्यों ले। हमको पता है कि इवन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री वी आर
वी आर नॉट इन रिसेशन राइट नाउ बट इन्फ्लेशन हाई है, तो लोग अब वो बचत करना चाहते हैं, जो आप 1,000, 2,000, 4,000 रुपए थिएटर में जाके खर्च करेंगे वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत डिफिकल्ट है, पर वो ही आप 500, 600, 700 रुपए दे के आपने साल भर का सब्सक्रिप्शन ले लिया और आप घर बैठ के आराम से देख सकते हैं, आप 10 लोग देख सकते हैं, 20 लोग देख सकते हैं. सो आई थिंक वो एक कंफर्ट लेवल आ गया है ओटीटी से. ऑल्सो द फैक्ट कि ओटीटी कॉन्टेंट वाइज बहुत स्ट्रांग है, इतना कॉम्पिटिशन है सब चैनल्स में कि हर कोई अच्छा करना चाहता है. इट इज नॉट अबाउट स्टारडम, इट इज अबाउट एक्टर्स, इट इज अबाउट आर्टिस्ट, इट इज अबाउट गुड स्टोरीज. एंड ये अच्छी बात है कि हम इतनी सारी अपनी गढ़ की कहानियां जो हमारे हिंदुस्तान का के गढ़ हैं उनसे कहाँ कहाँ से कहानियां लेकर आ रहे हैं और लोगों को प्रभावित कर रहे हैं या लोगों को एक नॉलेज मिल रहा है, यू नो, अलग 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 शहरों के, प्रांतों के, स्टेट्स के. पता नहीं कितने एडिटर्स को, कैमरामैन, स्टाफ्स को बहुत सारा काम भी मिला है इसकी वजह से. लेकिन बहुत एक चीज ओटीटी पर मैंने हमेशा एक चीज नोटिस की है कि जितने भी शोज आते हैं इसमें, खासतौर से मैंने बताऊं, मैंने आज तक सिर्फ दो ही शो देखे हैं. इससे पहले मैंने इतना शो देखा था, जैसे आपसे बात हो रही है ऐसे ही हुमा कुरैशी से बात हुई थी, तो उनके कहने पर मैंने शो देखा था. हुमा कुरैशी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसे जरूर देखना, और मैंने ये सेकंड, मैं वेब सीरीज नहीं देखता क्योंकि ये बहुत इंगेजिंग है, मुझे ये डिस्ट्रैक्ट करती है अपने काम से. लेकिन मेरा जब भी कोई शो देखने जाता हूं तो मैं देखता हूं उसमें एब्यूसिव लैंग्वेज बिना वजह यूज की जाती है. सास बहु अचानक एक दो जगह गालियों का यूज किया गया, क्या इससे बचा नहीं जाना चाहिए था? ये ठीक नहीं है. आई थिंक देखिए, जो आपके लिए ठीक नहीं है वो शायद किसी और के लिए कैजुअल हो. सो पर ये मैं आपसे बात से सहमत हूँ कि क्योंकि ओटीटी में एज सच कोई सेंसरशिप नहीं है, इसीलिए गाली गलौज, वायलेंस, बहुत ज्यादा डार्कनेस हो गई है ओटीटी पर. हर चीज को आप देखिए तो सिर्फ क्राइम और थ्रिलर और मर्डर ही चल रहे हैं. इसीलिए मुझे ये सास बहु अचार एक रीजन और था उसको चूज करने का कि इसमें बहुत सिंप्लिसिटी थी. देखिए रियल लाइफ में तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत गाली गलौज सबको ही करता है, नॉर्मल है. कोई चलते मार्केट में, बाजार में सुनने को सब चीजें मिली जाती है, वो तो बात सही है. एग्जैक्टली, तो उसको आप 100% तो रोक नहीं सकते, पर उसमें से भी आप क्या प्योरिटी निकाल कर दिखा सकते हो और वो ऑडियंस एक्सेप्ट कर सकती है, आई थिंक ये आपके लिए सफलता ही है एक तरीके से. जो गुड न्यूज वाली टीम है उसके साथ आपकी कुछ आगे की प्लानिंग है? ये तो आपको राज से बात करनी पड़ेगी. पर पता नहीं, कोई अच्छा मौका मिलेगा तो आई एम श्योर कि फिर से वापस काम करेंगे. और टचवुड सास बहु अचार में बहुत सारे लोगों ने काम देखा है, बहुत सारे लोगों ने सराहा है, और आई एम श्योर ये तो अभी 3-4 दिन ही हुए हैं आकर, पर लोग आराम से बैठकर जब भी देखेंगे तो होपफुली पॉजिटिव ही कुछ निकलेगा यहाँ से भी. अच्छा, चलिए, आपको शुभकामनाएं आगे के लिए. आपके और भी इंटरव्यूज होंगे और आपसे फिर कभी बात होगी इसी तरह से, फिर आपसे बात करेंगे. थैंक यू. एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच. थैंक यू, बाय बाय. थैंक यू.